हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो क्षेत्रमिति का हमारा जो चैप्टर चल रहा था आयतन वाली, उसमें हमारा 1 से 5 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज जो हमारा कंटिन्यू होने वाला है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 6 से होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपसे SSC ग्रेजुएशन लेवल 2002 में पूछे गए हैं, यानी SSC ग्रेजुएशन लेवल को ही हम कहते हैं CGL, और ये CGL 2002 के सवाल पूछे गए हैं। अब दोस्तों, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन आप लेंदी भी सवाल को कैसे बहुत ईजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक घनाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। यानी जैसे ही आपके लीटर के बात कर दिया गया, तो आप लीटर का मतलब क्या समझते हैं, उसकी वॉल्यूम यानी उसकी आयतन, यानी जो टंकी है वो कैसा है, घनाकार है, और उसमें कितना लीटर पानी लट रहा है दोस्तों, 216 लीटर। यानी जो टंकी का जो आयतन है यानी जो वॉल्यूम है वो आपका दे रखा है कितना, 216 लीटर, राइट। अब क्वेश्चन को जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपसे कह रहा है कि उसकी गहराई, उसकी लंबाई का 1/3 है। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी आपके पास क्या है, घनाकार कोई टंकी है या जो भी है, तो उसमें क्या होता है, घनाप जैसे ही बोलेगा उसमें आपको लंबाई भी होता है और उसमें चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। अब यहाँ पे दोस्तों उससे कंपैरिजन कर रहा है कि आपको कह रहा है कि उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, उसकी गहराई है उसकी लंबाई का 1/3, यानी जो उसका गहराई है यानी जो उसकी हाइट है वो उसकी लंबाई का 1/3 है। यानी अगर हाइट हम 1 मानते हैं तो उसका लंबाई उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आप खुद सोच के देखें, यहाँ से देखेंगे कि अगर हाइट 1 है और उसकी लेंथ जो है वो 3 है, यानी लंबाई जो है वो 3 है, तो जो गहराई है उसकी लंबाई का कितना है, 1/3 है, राइट। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर है। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो रफ में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या आपसे कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है, सॉरी उसकी जो गहराई है यानी जो एच है, उसकी लंबाई का कितना है, 1/3 है। यानी हाइट अगर 1 है तो उसकी जो लेंथ है वो कितना है, 3 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो हाइट के यहाँ पे आप कितना डाल दें, 1, तो हाइट का मान 1 और जो लेंथ है यानी जो लंबाई है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पर जो लंबाई होगा वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर आगे आपसे कह रहा है कि और गहराई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, सॉरी और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, यानी जो बी है वो उसके लंबाई और जो गहराई है उसके अंतर का, तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 2। यानी बी के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि जो उसकी चौड़ाई है वो लंबाई और गहराई के अंतर, तो 3 और 1 का अंतर कितना होगा, 2। दोनों के अंतर का कितना है, 1/3 का 1/2 है, यानी उसके अंतर का 1/3 का 1/2 है। आप इसे सोल्व कर ले तो यानी जो बी है वो कितना हो जाएगा, 1/3। तो जो बी की वैल्यू होगी वो आप यहाँ से कितना लिख देंगे, 1/3, राइट। अब यहाँ पे फिर आपसे कहा जा रहा है कि टंकी की लंबाई है यानी जो एल का मान जो 3 देख रहे हैं, ये वास्तव में कितना, ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये सब किस में, अनुपात में। अनुपात का जो मान होता है वो चेंजेबल वैल्यू होता है, बदलता हुआ मान होता है। अब इससे जब आप रेशियो का चैप्टर पढ़े हुए हैं तो बहुत ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन में हो तो उस रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपली वे में। तो 3 * 9, ये अगर 9 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा, और ये 3 जाके 1 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जब रेशियो है तो रेशियो के साथ आप क्या कर सकते हैं, x भी लगा सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं 9x, इसे 1 को x से अगर मल्टीपल करेंगे तो x, और 3 को x से मल्टीपल करेंगे तो 3x। अब आपसे क्या दिया गया है वो देखेंगे। आपसे यहाँ पर दिया गया है गिवन जो है वो आपका आयतन है, तो आयतन बराबर आप क्या जानते हैं, घनाप में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीपल, तो 9 * 3 = 27 और x इंटू x इंटू x यानी x का क्यूब। तो आयतन आपके हिसाब से कितना आ जा रहा है, 27 x³, लेकिन आयतन जो है वो आपका कितना गिवन है, 216। तो आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, अगर x का मान आप निकालेंगे तो 216/27, और ये जो क्यूब है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 1/3 में हो जाएगा, या आप इधर सिंपली से क्या कर लेंगे, उसका घनाभ निकाल लेंगे, क्यूब निकाल लेंगे, तो 216 का कितना आ जाता है, थोड़ा सा हम इस साइड बढ़ेंगे, 216 का जो होता है वो 1/3 कितना हो जाएगा, उसका जो क्यूब होगा 6 * 6 = 36, 6 के 216, 27 का कितना हो, 3 * 3 = 27, और ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू
इसे जब कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा, टू। यानी एक्स का मान आप यहाँ से कह सकते हैं कितना निकल के आ रहा है, टू। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, टंकी की लंबाई। तो टंकी का जो लंबाई था दोस्तों यहाँ पे कितना निकल चुका था, 9x। तो x का मान है 2, तो 9x का मान कितना हो जाएगा, 9 × 2 यानी 18। और ये किस में दिया गया है, डेसीमीटर में दिया गया है, तो डेसीमीटर में आप इसे आंसर टिक कर लेंगे, राइट। और यही आपके इस सवाल के जवाब हैं, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो इस जो क्वेश्चन है इसको 2 से 3 बार पॉज करके देखें, आपको चीज़ें बहुत ही इजीली वे में मैंने बताया समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे कंटिन्यू करें खुद से एक बार बनाने की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके बहुत अच्छे सवाल से, और यहाँ से आपके होटल मैनेजमेंट 1992 में पूछे गए हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे किसी कमरे की चौड़ाई ऊँचाई की दूनी है। अब देखिए कमरा जो होता है ना दोस्तों, जो कमरा होता है, अब यहाँ से मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपली भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कमरा होता है वो भी कैसा होता है, घनाकार होता है। जब आप अपने रूम में जाएंगे, अपने कमरे को देखेंगे, तो वो भी आपको क्या दिखेगा, एक घनाकार होता है। यानी कमरा को हम क्या कह सकते हैं, घनाप कह सकते हैं, राइट। कह रहा है अब जब घनाप होगा तो कमरे में कुछ ना कुछ लंबाई भी होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई भी होगा, और कुछ ना कुछ ऊँचाई भी होगा। इस बात से आप सहमत होंगे। फिर आपसे कह रहा है कमरे का जो आयतन है वो 512 घन मीटर है। यानी जो आयतन है कमरे का वो आपको गिवन है, दे रखा है कि आयतन कितना है, 512 घन मीटर, यानी मीटर का क्यूब आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे कि किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है। यानी किसी कमरे की जो चौड़ाई है, जो बी है, वो क्या है, ऊंचाई की दुगनी है। यानी अगर ऊंचाई 1 है तो चौड़ाई मेरा कितना हो जाएगा, इसका दुगने के हिसाब से 2 हो जाना चाहिए। क्योंकि साफ साफ सवाल कर रहा है किसी कमरे की चौड़ाई यानी जो बी होगा उसकी ऊंचाई की दुगनी है। यानी एच का कितना है, दुगना है। यानी अगर एच हम 1 ले लें तो उसका जो बी होगा वो कितना होगा, 2 होगा। फिर आपसे कह रहा है परंतु, यानी जो आपकी जो चौड़ाई है कमरे का वो ऊँचाई की तो दुगनी है लेकिन लंबाई की आधी है। यानी जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की तो दुगनी है लेकिन लंबाई की आधी है। यानी लंबाई कितना होगा, 4 होगा। अब आप इस चीज़ को फिर से सोच के देखें। क्वेश्चन जैसे कहा जा रहा है किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, तो किसी कमरे की जो चौड़ाई है जो बी है वो ऊंचाई की कितनी है, दुगनी है, है भी 1 का दुगना है 2, परंतु लंबाई की आधी है। यानी जो बी है वो क्या है, लंबाई की आधी है। तो लंबाई 4 है, चौड़ाई कितना है, 2 है, तो लंबाई का आधा भी है चौड़ाई, ठीक है। यानी ये चीज़ है मेरा यहाँ से सेट हो चुका है। अब यहाँ से क्या दिया गया, जो दिया गया है आप वही चीज़ को निकालें। यहाँ से आपको आयतन दिया गया, रियल वैल्यू, तो यहाँ से आप क्या कर लें, आयतन निकाल लें। तो आपको मैंने बताया अभी कि अगर रेशियो में कोई चीज़ है तो उसके साथ हम एक्स को लगा सकते हैं। तो एक्स लगाएंगे तो 4x, इसमें एक्स जोड़ेंगे तो 2x, और ये एक्स से मल्टीपल करेंगे तो एक्स। अब इसके हिसाब से अगर हम आयतन निकालें दोस्तों, तो इसके हिसाब से मेरा जो आयतन होगा वो 4 × 8 और एक्स 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 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो एक्स का क्यूब। तो यहाँ से अगर हम इसका आयतन निकालते हैं तो 8x³ आता है, लेकिन एक्चुअल में जो आयतन है वो कितना है, 512 है। तो जो आपके हिसाब से आयतन आ रहा है वो लिख ले, और जो एक्चुअल में जो गिवन है बुक में वो आयतन को बराबर कर दे। तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, 512/8। अब x का मान निकालेंगे तो आपको जो इधर घन में दिख रहा है तो इधर भी आप क्या कर लें, घन निकाल ले। तो 512 का हो जाएगा 8 × 8 = 64 × 8 = 512 8 का घन कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 8। इसे जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4। अब x की वैल्यू 4 है तो आपसे क्या कहा जा रहा है, कमरे की लंबाई। तो कमरे की जो लंबाई है दोस्तों, यानी एल का मान देखेंगे यहाँ पे कितना है, 4x है, तो 4। और x का मान आपने कितना कैलकुलेट किया है, 4। तो 4 को 4 से मल्टीपल कर दें, यानी कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ पे देखना है आपको किस में आंसर दिया गया है, ऑप्शन जो आपके हैं मीटर में, तो आप मीटर इसके साथ ऐड कर दें और यही आपके इस सवाल के जवाब हो जाएंगे, राइट। ये आपकी होटल मैनेजमेंट में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सवाल को, तो कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कमरा होगा तो उसका कुछ ना कुछ लंबाई भी होगा, कुछ ना कुछ उसकी चौड़ाई भी होंगे और कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई भी होंगे। कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है अगर है, चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है, और ऊंचाई जो है वो आपके 3 मीटर है। तो उस सबसे बड़ी बांस की छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णता रखी जा सकती है।
यानी आपसे कहा जा रहा है सबसे मैक्सिमम साइज़ का बांस अगर हम इस कमरे में रखना चाहें तो उस बांस की लंबाई कितनी होनी चाहिए, सबसे मैक्सिमम। तो सबसे महत्तम या मैक्सिमम या सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई आपसे पूछा जाए किस में, कमरे में या कोई घनापकार ऐसी चीज़ में, तो क्या कर लें आप उस कमरे का या उस घनापकार चीज़ का क्या निकाल लें, विकर्ण निकाल लें। विकर्ण जो होता है वही उस कमरे का या उस घनापकार चीज़ में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई होती है, तो विकर्ण निकालें। किसका विकर्ण दोस्तों, चूँकि हमको किस में रखना है, कमरे में रखना, तो कमरा हमारा क्या होता है, एक तरह का घनाभ होता है, यानी आपको निकालना है घनाभ का विकर्ण, यानी आप इसी चीज़ को घनाभ को घनाभ ना करके क्या कर सकते हैं, कमरे का विकर्ण, राइट। तो कमरे का विकर्ण बराबर या घनाभ का विकर्ण बराबर आप जानते हैं एक फार्मूला होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर, एल आपका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लें, बी बी का कितना है वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कर लें, एच के वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लें। अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, जब कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 25 चार चौका 16 और 3 × 3 = 9। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको निकल के आएगा 25 16 9 25 25 और 25 कितने हो जाएंगे 50। अच्छा 50 को आप तोड़ेंगे इस फॉर्मेट में तो आप लिख सकते हैं 25 × 2, 25 का वर्गमूल आपको निकल जाएगा 5, तो 5 बाहर आ जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी 2 किस में रह जाएगा, रूट ओवर में ही रह जाएगा, यानी आपके ये सवाल हो जाएंगे और आंसर किस में आपके दे गए मीटर में, तो 5√2 आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर 4 में। इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 4 को टिकआउट कर लेंगे और वही जो है वो आपके इस सवाल के करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। और ये जो विकर्ण वाला होता है या सबसे लंबी जो छड़ की लंबाई या बांस की लंबाई जो है, इस तरह के सवाल बहुत बार सवाल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से रिलेटेड सवाल है और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सेम सवाल देखेंगे, वहाँ पर पूछे गए थे किस एग्ज़ाम्स में, सीजीएल में ही पूछे गए थे और यहाँ पे भी ये सवाल सीजीएल में ही पूछे गए हैं। कह रहा है कि उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई याद करें। फिर से मैंने वही चीज़ें रिपीट करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी बताया कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई या लंबी बांस की लंबाई जब भी पूछे तो आप उसके विकर्ण को निकालें। तो कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर, चौड़ाई जो है 6 मीटर और 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊँचाई है, तो हॉल में रखी जा सकती है, उस मैक्सिमम छड़ की लंबाई निकाले। तो मैक्सिमम छड़ की लंबाई निकाले यानी उसके विकर्ण को निकाले, तो आप इनडायरेक्टली रूप से उसके विकर्ण की लंबाई को कह सकते हैं। तो विकर्ण बराबर अभी आपको मैंने बताया अंदर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, फार्मूला मैंने पहले लिख दिया था, इस वजह से अब फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस ऊँचाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अब इसे कैलकुलेट कर लें तो 10 × 100 प्लस 6 × 6 = 36 और प्लस 4 × 16, राइट। इसे जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 × 6 = 12, 3 × 1 = 4 और 1 × 5 = 1 यानी 152। 152 को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं 4 × 38, यानी आप इसे मल्टीपल कर लेंगे तो 152 के ही आसपास आपके आ जाएंगे, 152 ही आएंगे आसपास, क्या 152 ही आएंगे, 8 × 4 = 32, 4 × 3 = 12, 3 = 15, तो 4 के जो वर्गमूल होंगे वो निकल जाएंगे 2 के फॉर्मेट में और 38 जो है वो रह जाएगा रूट ओवर के अंदर, यानी आप कह सकते हैं 2√38 मीटर। ये जो होगा वो मैक्सिमम साइज़ का छड़ होगा जो इस कमरे में रखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का हमारा लास्ट सवाल होने वाला और ये काफ़ी अच्छे सवाल से और ये भी आपके 2 एग्ज़ाम्स में पूछे गए, एक RRB अजमेर में 2004 में और दूसरा SSC 2008 में। अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है, चलिए इस क्वेश्चंस को हम आपको फिगर के हिसाब से समझाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। कह रहा है एक ठोस घन 2 समान आयतन के घनाभों में काटा जाता है, यानी एक ठोस घन है। सबसे पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप टाइम देंगे इस सवाल में मुझे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। एक कह रहा ठोस मेरे पास घन है, तो एक पहले मैंने घन का जो है डायग्राम यहाँ पे बना लिया, राइट। अब कह रहा है कि इसको जो है ना 2 समान आयतन के घनाभों में काटा जाता है, यानी ये जो घन था हमारा, तो आप यहाँ से सबसे पहले मान के चले जो घन है उसके भुजा क्या है, a है,
तो घन का प्रत्येक भुजा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अगर एक भुजा ए है तो इसके जितने भुजे होंगे वो सब के सब क्या होंगे, ए होंगे, यानी लंबाई भी ए होगा, चौड़ाई भी ए होगा और उसकी ऊंचाई भी ए होगा। लेकिन कह रहा है ये जो घन था ठोस, उसको दो समान आयतन के घनाभों में काट दीजिए, यानी इसको हम बीच से क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। तो इससे बीच से अगर हम फाड़ देंगे तो ये क्या होंगे, दो बराबर बराबर आयतन में डिवाइड हो जाएंगे। और कह रहा है कि जो आयतन में डिवाइड होगा दो बराबर में, तब ये घन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। यानी ये भी घनाभ बन जाएगा एक अलग सा, और दूसरा पार्ट जो ये है ये भी हमारा क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। यानी दो घनाभ में डिवाइड हो गया। अब कह रहा है जो प्रत्येक घनाभ है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो पूरा घन था उसका पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, घन का संपूर्ण कह ले, यानी टोटल सरफेस एरिया भी इसे इंग्लिश में कहते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² ये फार्मूला आप याद रखेंगे 6a² तो 6। अब भुजा कितना है दोस्तों घन का, मैंने यही माना है तो 6a² ही रहेगा। ठीक है, ये हो गई घन की बात। लेकिन अगर हम घनाभ में चलें तो देखेंगे ये मेरा ए था यहाँ से यहाँ, तो आप ये पूरा ए था ना, लेकिन घनाभ के लिए हम देखें सिर्फ एक साइड वाले घनाभ में, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये जो भुजा की लंबाई होगी वो ए बाई टू हो जाएगा। यानी अगर पूरा ए है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए का हाफ हो जाएगा, यानी ए बाई टू हो जाएगा। लेकिन ये मेरा जो है जो चौड़ाई था ये भी मेरा ए ही था, और ये जो ऊँचाई था वो भी हमारा ए ही रहेगा, चूँकि ये जो चौड़ाई है वो घन का हो या घनाभ का हो दोनों का सेम है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऊंचाई जितना घन का था उतना अभी भी घनाभ का भी है, यानी ये भी ए रहेगा। यानी आप कह सकते हैं जो घनाभ है, घनाभ का जो लंबाई है वो सिर्फ क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, यानी ए बाई टू हो रहा है, और जो बी है वो भी ए रहता है, और जो एच है वो भी हमारा ए रहता है, राइट। ये किसके लिए, घनाभ के लिए। अब यहाँ से घनाभ का जो आयतन है वो आप निकालें, सॉरी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH, राइट। अब यहाँ से आप निकालें 2 × LB, तो L आपका कितना है, A बाई टू, इंटू B, तो B कितना है, A प्लस BH, तो B भी A है और H भी A है, प्लस LH, L कितना है, A बाई टू, और H कितना है आपका, A। अब इसे कैलकुलेट कर लें, तो जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर, और 2 से गुना होगा, यानी 2a² प्लस 2 से 2 कट जाएगा a इंटू ए, यानी ये भी बच जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 2a² प्लस 1a², यानी टोटल हो जाएगा 4a². अब यहाँ से दोस्तों 4a² किसका पृष्ठीय संपूर्ण क्षेत्रफल निकला, किसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकला, घनाभ का। अब आपका दोनों का क्या कह रहा है कि अनुपात निकालें पृष्ठ क्षेत्रफल का, किसका किसका, दिए हुए घन का तथा घनाभ का। तो घन का क्षेत्रफल कितना आ गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² रेशियो निकालना है किसका, घनाभ का। तो घनाभ का कितना आपने निकाला, यहाँ से देखेंगे 4a², तो 4a², a² इधर भी, a² इधर भी कट जाएगा, रेशियो में है काट दें, 3 × 6 और 4 × 8, यानी रेशियो कितना मिल जा रहा है, 3 × 2, तो 3 × 2 आपके कौन से, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल के करेक्ट जवाब में। ठीक है, इस सवाल को मैंने फिगर्स इसलिए समझाया क्योंकि चीज़ें आपको क्लियर हो कि कहाँ से a बाई टू आता है, लंबाई चौड़ाई ये कैसे रह जाएगा, ऊंचाई ये कैसे रह जाएगा, आपको इस फिगर में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अपने जो भी सवाल होते हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।